सादा बना। तो अगर आप जुहू में हो और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है खाने का, अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो यहाँ पे ज़रूर आइए। ये एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत फेमस है 11 सालों से। ये जगह पे अगर आप आते हैं तो पहली बात तो आपको ये नोटिस करनी होगी कि ये जुहू बीच से काफ़ी क्लोज है, और यहाँ के जो डोसा हैं, सिद्धिविनायक डोसा वाले जो ये फेमस हैं यहाँ के ऑप्शन शोरूम के, यहाँ इनके डोसा के नाम भी एकदम यूनिक है, सिद्धिविनायक स्टाइल, या आप चीनी स्टाइल के डोसा खाना चाहते हैं, या मैसूर, या आपको सादा चीज़ डोसा खाना हो तो आपको वो सब मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो अभी ये टाइम पे जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ और दो मिनट खड़ा रहा तो मुझे यहाँ पे कोई डोसा नहीं मिलेगा। तो इसके अच्छा मैं अन्ना से बात कर लेता हूँ और आपको सही डोसा दिखाऊँगा जो यहाँ का फेमस डोसा है। कौन सा वाला वो आप देखिए। सबसे पहले मुंह में पानी लाने वाला डिश जो है यहाँ का प्रसिद्ध डिश, सिद्धि विनायक स्पेशल। जी हाँ, इनके ही नाम पे बनाया गया ये डिश। इतनी डिमांड में है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, आपके पास एटलीस्ट 10 से 15 कस्टमर यहाँ ही खड़े होंगे। आप जिस तरीके से वेजीज को देख रहे हैं फ्लो होते हुए, ओहो, इसके ऊपर मसाला, ऊपर से इन्होंने इस पर बटर डाल दिया, आइए देखते ही बनता है। और इसके साथ ये वाला चीज़ तो सबसे बेस्ट है, 100 ग्राम पनीर उसके अंदर चला गया। जी हाँ, जब आपके सामने ये चीज़ हो रही होगी आप सोचेंगे कब ये मेरे प्लेट में परोसा जाएगा और मैं इसे खाऊंगा। और जिस तरीके से ये बनाएंगे आप इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे इसको देख के कि आप चाहेंगे कि ये बस मुझे ही मिल जाए, और कोई दूसरा अगर लाइन में खड़ा भी होगा मुझे कोई परवाह नहीं। आप देख सकते हैं कितना पेशेंस से इसे बनाया जा रहा है ताकि कस्टमर इसे डिससैटिस्फाई ना हो। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये चीज़ जिसके ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है, वो चीज़ का जो पूरा फ्लो है, बकायदा मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान इसे ना नहीं कहेगा अगर वो फूडी होगा तो ये चीज़ तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। सिद्धि विनायक स्पेशल, पनीर और चीज़ बेस्ड, टोटल वेजीज, ताकि आपको वो खुशी मिल जाए कि एक डोसा खाया और जी भर के पेट भर लिया। जी मेरे वीकेंड लिस्ट पे तो ये नाम ज़रूर आ गया है, आपका पता नहीं मुझे, पर यहाँ पे दूसरे ऐसे डोसा भी हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। इनका जो दूसरा डोसा है वो है जीनी डोसा। जीनी, जी हाँ, आपको ये खुश कर देगा। जिस तरीके से बनाते हैं ये, सेम जैसे सिद्धि विनायक है वैसे ही इनका स्टाइल जीनी डोसा का सेम है। ओनली डिफरेंस ये बेस चीज़ का है, वहाँ पे पनीर का बेस था, उसके अलावा सब सेम है। बट जो उनका प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन में ही अट्रैक्शन है। ये आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके प्लेट पे आएगा और आप इसे देखते ही रह जाएंगे और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये वाला डिश सेकंड रिकमेंडेशन है मेरा, यहाँ का फेमस जीनी डोसा। अभी तक आप मुझे कोस रहे होंगे कि बस घर भाई क्यों दिखा रहा है इतना स्वादिष्ट खाना, दो में ही बस हो गए? जी नहीं, थर्ड डोसा भी बहुत फेमस है यहाँ का, पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डोसा जो आप जानते ही हैं कि फेमस है पाव भाजी, पर यहाँ पे जो बनाने का स्टाइल है वो वाकई डिफरेंट है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये सही में डिफरेंटली बन रहा है, क्योंकि जब ये मसाला मिक्स करते हैं तो बकायदा वो सोचते हैं कि कस्टमर को पाव भाजी ज़रूर याद होगा, तो क्यों ना इसे अलग तरीके से बनाएं, इसलिए उसे पैक कर देते हैं। पैक करके ये तो ज़रूर है कि वहाँ पे अच्छा वाला एक मसाला बन रहा है, और साथ ही अगर डोसा भी मिल जाए
तो सोने पे सुहागा। थर्ड डिश तो वाकई बनता है ये रेकमेंडेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग ये भी ज़रूर खाने आते हैं। इसके साथ ही आप वॉन्डर एंड गॉबल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में बताइए, क्योंकि हम आपके सामने सब स्वादिष्ट खाने ही लेके आते हैं। अब तक तीन टॉप मोस्ट डिश आपने यहाँ पे देख लिए, चौथा डिश जो है वो पनीर भुर्जी डोसा है, एक यहाँ के मास क्राउड का सबसे फेवरेट। यहाँ पे लोग ये भी खाने आते हैं क्योंकि ये जो बन रहा है ये भुर्जी है बट पनीर है, तो लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद है और साथ ही साथ डोसा भी है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर ये खाने आते हैं, पर वही है कि क्योंकि ये मासेस को पसंद है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्विकली मिल जाती है। मैसूर डोसा हो या शेजवान डोसा हो या चीज़ सादा डोसा हो, जो भी डोसा हो ये लिस्ट बढ़ते ही जाएगी, इतनी पॉपुलर है ये जगह सिद्धिविनायक डोसा वाला। तो देर किस बात की है, वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमेशा स्वादिष्ट खानों का रिव्यू देखते रहिए।